साउथ सिनेमा अपने सुनहरे दौर पे है। पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस पर यहाँ की फिल्में धूम मचा रही है। एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के बाद साउथ की फिल्मों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सिनेमा प्रेमियों को भव्य सिनेमा का अनुभव कराया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देखकर बॉलीवुड को यह एहसास दिला दिया कि यदि कंटेंट में दम है तो विपरीत हालात में भी फिल्मों की कमाई हो सकती है। पुष्पा द राइज, ट्रिपल आर, केजीएफ चैप्टर 2 और विक्रम जैसी फिल्मों की कमाई इस बात की तस्दीक करती है। दोस्तों, ऐसी एक फिल्म की बात करने जा रहे हैं। उस फिल्म का नाम है डॉक्टर एस द लीजेंड, जो पैन इंडिया फिल्म है। इसके ट्रेलर लॉन्च के समय यह घोषणा की गई थी कि ये फिल्म बाहुबली 2 से भी ज्यादा कमाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके ट्रेलर लॉन्च पर साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्रियां शामिल हुई थी, जिनमें नयनतारा, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े, कृति सुरेश, उर्वशी रौतेला, नित्या मेनन और साई पल्लवी का जमवाड़ा देखकर किसी को भी लग सकता है कि ये बड़े बजट और बेहतरीन फिल्म है। इतना ही नहीं, फिल्म के टाइटल और हीरो के नाम में लीजेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में डॉक्टर द लीजेंड में लीजेंड सर्वरन लीड रोल में है, जो कि साउथ के जाने माने बिजनेसमैन है। इसके ट्रेलर को देखने के बाद सिर पीटने का मन करता है। पैन इंडिया के नाम पर इससे वायद फिल्म कोई नहीं हो सकती। पैसे के दम पर नामचीन कलाकारों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन पैसा लगाने वाले हीरो ने फिल्म का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर म्यूजिक सब कुछ सही नजर आता है, लेकिन जैसे ही फिल्म में हीरो की एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि बेहतरीन खाने में कोई मक्खी गिर गई हो। लीजेंड सर्वरन के नाम से खुद को प्रचारित प्रसारित करने वाला ये शख्स को न तो ढंग से एक्टिंग आती है और न ही इसकी बॉडी लैंग्वेज सही दिखती है। चेहरा भी ऐसा लगता है कि फेक है। साउथ सिनेमा ने हिंदी में अपनी अच्छी पकड़ बना के रखी है, यही वजह कि पैन इंडिया फिल्मों को लोग यकीन से देखते हैं। लेकिन ये यकीन तब टूटता नजर आता है जब डॉक्टर एस द लीजेंड जैसी फिल्में रिलीज होती है। ऐसी फिल्में लोगों के भरोसों का कत्ल कर देती है। साउथ सिनेमा के जिम्मेदार लोगों को ऐसी फिल्में कम से कम पैन इंडिया रिलीज होने से रोकना चाहिए। फिल्म बनाने वाले के पास बहुत पैसा है, पैसे के दम पर वो अपने लिए फिल्म बना सकता है, उसमें चाहे जिसे कास्ट कर सकता है, उसमें खुद हीरो भी बन सकता है। लेकिन किसी भी साग का बट्टा लगाते हुए उसे निस्तनाबूद करने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करते हैं। फिल्म में डॉक्टर एस द लीजेंड को लीजेंड सरोरेन ने प्रोड्यूस किया है, जो कि फिल्म के हीरो भी है। इसमें पुरुषी रोतेला, गीतिका, विवेक, नासिर, प्रभु, विजय कुमार और योगी बाबू जैसे साउथ के सिनेमा के कलाकार मौजूद हैं। इस फिल्म का निर्देशन जेडी जेरी ने किया है। फिल्म के लिए हिंदी गाने अरमान मलिक, श्रेया घोषाल, के और जोनिता गांधी ने गाए हैं। ये फिल्म 28 जुलाई को पैन इंडिया के तहत 5 भाषाओं में रिलीज की गई है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ शामिल है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये मूवी गलत है या मूवी की स्टोरी खराब है। दोस्तों, कंटेंट में अगर दम हो तो कोई भी मूवी अच्छा पैसा कमा सकती है। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।